आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। लॉकडाउन के कारण पहले ही लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। ऐसे में गरीब लोगों के साथ यदि प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है तो उनकी स्थिति और दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति का आज सामना करना पड़ रहा है स्कीम नंबर 134 स्थित इंदौर विकास प्राधिकरण की मल्टी में रहने वाले विस्थापित रहवासियों को। यहाँ के रहवासी एवं राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस के शहर अध्यक्ष माया सोलंकी ने बताया कि यहाँ के रहवासियों को हजारों रुपए के बिजली के आने के कारण वह लोग बिल भरने में असमर्थ है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण लिमिटेड कंपनी द्वारा बकाया बिल राशि की मांग को लेकर आज यहां के सभी रहवासियों की बिजली काट दी गई, जिससे रहवासी अंधेरे में परेशान हो रहे हैं। आज सभी पीड़ित रहवासी राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष संतोष वर्मा के नेतृत्व में बिजली कंपनी के विजयनगर जोन पर पहुंचे और यहां पर सहायक अभियंता उमेश सिंह को अपनी परेशानी बताते हुए विद्युत संयोजन जोड़ने की बात कही। इस पर उमेश सिंह ने कहा कि आप सभी के कनेक्शन ऑनलाइन कटे हुए हैं, इसीलिए आपको बिजली के बिल का भुगतान करना होगा। कानून 134 का है और मैं माया सोलंकी शहर अध्यक्ष से बोल रही हूँ। और ये लाइट का बिल हमारा पहले 200-300 रुपए तक आ रहा था, अभी 5-6 हज़ार का आ रहा है सर। रोजी रोटी किसी के पास है नहीं, सब लेडीज़ें बंगले में काम करती है। हमारे इधर की लेडीज़ें सब किरायादार ज़्यादा रहते हैं और मकान मालिक बहुत कम रहते हैं। सब गरीब मोहल्ले की लेडीज़ें हैं, उनको सबको परेशानी है ना। लाइट ऑनलाइन बोल रहे कि ऑनलाइन कट गई, अब कहाँ से हम बताओ इनके बच्चों उनको कहाँ रखेंगे रात में। ये कब कटी लाइट आपकी? सर सुबह से कट गई, आज 12 बजे से। यहाँ आज MPP के झोन पे आए तो अधिकारियों ने क्या बताया? ये बोल रहे कि ऑनलाइन से लाइट कटी है, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले आप पैसे भरोगे जब भी आपकी लाइट चालू होगी। तो अभी आपके साथ में कौन आया है, कौन यहाँ? हमारे साथ में संतोष वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है। क्या चर्चा हुई है, क्या निराकरण निकला सर? हमको निराकरण ये करवाना है कि हमारा लाइट माफ करे, और इतना बिल हम नहीं भर सकते सर। हमारे या तो हमको जहर ला के दे दो तो हम सब वही खा के सो जाएंगे ना सर। रहते हैं 10-10 हज़ार बिल आए सर, हम कैसे भर पाएंगे? हमारे बच्चे उनको हम काम पे नहीं जा रहे, घर बैठे हैं, कोई बुला ही नहीं रहा है हमको बंगले पे। अभी अभी क्या समस्या आ गई आपको? आपको ये समस्या है कि 10 हज़ार बिल आए, हम कैसे भर पाएंगे? लाइट कब कटी है? आज सुबह कटी है सर। और यहाँ अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी अभी क्या बोल रहे हैं, वो ऑनलाइन का बोल रहे हैं सर। हम ऑनलाइन थोड़ी ना ये कर पाएंगे। मेरी अभी हम विजयनगर झोन पर आए हैं और 134 का ये प्रकरण है। पूरे सभी लोग गरीब बस्ती के लोग हैं और सबको मालूम है कि लॉकडाउन के बाद लोगों के काम धंधे छूट गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है, अपना परिवार पालन पोषण करने के लिए पैसा नहीं है। आज भारी भरकम जो बिल आ रहे हैं, जो MPP 5-5, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार के, जिनके बिल 100 रुपये आते थे, 65 रुपये आते थे माननीय कमलनाथ की सरकार में, और अब जो सरकार के बाद भाजपा की सरकार आई है उसमें बिलों की जो बेहतर मतलब वृद्धि कर दी गई है। 10-10, 15-15 हज़ार के बिल, जो लाइट भी नहीं चली है, जो मकान बंद पड़े हैं उनके बिल में देखें, उनके भी 8-10 हज़ार बिल ये लोग भेज रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सरकार हिटलरशाही सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। आम जनता पहले त्रस्त है, बेरोजगारी हो रहा है, युवा उनका रोजगार नहीं है, माता बहनें सब बेरोजगार बैठी हैं, उनके पास कमाने खाने को पैसे नहीं है, और आज इतने बड़े बड़े बिल कहाँ से भरेंगे वो।